पाकिस्तान में औरतों और लड़कियों के जो समाजी और मुआशी इशूज़ हैं उस पर पिछले 10 साल से काम कर रही हूँ, और जो चीज़ें मेरे तजर्बे और मुशाहदे में आई हैं वो ये है कि पाकिस्तान में तो बच्ची की पैदाइश से ही डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाती है, उसकी एजुकेशन में डिस्क्रिमिनेशन होती है, उसके पास चॉइसेस बहुत कम होती है। पहली बात तो ये है कि वो लड़के को ज़्यादा तालीम की तरजीह दी जाएगी निस्बतन लड़की के। इसी तरह से जब वो बड़ी होती है, बाहर निकलती है, तो इस समाज के अंदर बहुत सारे और ऐसे रवैये होते हैं जिसमें हमेशा ये होता है कि वो अकेली बाहर नहीं जा सकती, वो कैसा लिबास पहन कर जाएगी ये भी आपका मुआशरा और उसके वालदैन ही तय कर रहे होते हैं। जब उसकी शादी का वक्त आता है तो उस वक्त भी उसके वालदैन ही अपना फ़ैसला उसके ऊपर इम्पोज़ करते हैं, उसकी अपनी चॉइसेस अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं होती हैं। इस्लाम के मुताबिक घरेलू ज़िंदगी में बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजारने का जो असूल है उसके मुताबिक किसी भी घर का सरबरा मर्द होगा, और घरेलू मामलात के जो फैसले होंगे उनका हतमी फैसला मर्द ही करेगा। मेरे ख्याल से औरत को मुकम्मल आज़ादी दे दी जाए तो मुआशरे में बिगाड़ और बेहुदगी होने का ख़दशा है। औरत को घर की चार दीवारी में रहना चाहिए। जो औरतें या NGOs औरतों के हकूक़ की बात करती हैं, ना तो उन्हें इस्लामी तालीमात की फ़िक्र होती है और ना माशरती इकदार की फ़िक्र होती है। घर का निज़ाम तभी ठीक तरीके से चल सकता है जब औरत मर्द की फरमाबरदार बन के रहे और उसके कहने के मुताबिक ज़िंदगी बसर करे। सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में मुझे काम करते हुए 7 साल का अरसा गुजर चुका है। इस सेक्टर में मेरे मुशाहदे में और तजर्बे में यही आया कि ख़वातीन के लिए काम करना, बाहर निकलना और काम के मौके तलाश करना खासा मुश्किल है। मर्दों की काट खाने वाली नज़रें, पास से गुज़रते हुए कोई जुमले कसना और घूरते जाना और हत्ता के पीछा करना, या खातून अगर किसी पार्क में तफरीही मुकाम पे, हत्ता के बस स्टॉप पे अगर बैठी हुई है तो वहाँ पे भी खड़े लोगों को एक जैसे कि तफरीही कोई मौका मिल जाता है। पहले दिन मैं काम करने गई तो एक बाबा सी 80 साल का ऐसी, तो वो मैंने कहता है कि मसलन गंद घर गई है, तो उन्होंने कहते घर का काम करो, तो 1000 रुपया दे रहे हैं, तनख्वाह बहुत कम है उन्होंने की। तो वो बाबा जेड़ा ना वो बहुत बदतमीजी करता है। पहले दिन गई तो मैंने हाथ मिलाया उन्हें, तो मैं क्या भी असं गरीब लोग हैं, तुहाडे नाल हाथ नहीं असं मिला सकते, तो कोई बात नहीं। फिर दूसरे तीसरे दिन गई, फिर मेरे तो मोड़े से हाथ रख के क्या हाल है। जब हमने काम शुरू किया तो हमें बहुत सारे मसाइल दरपेश थे कि हम जब लोगों के घरों में जाते थे तो गली मोहल्लों में खड़े लड़के हूटिंग करते थे कि जी हमें भी कतरे पिला दें। औरतों का जो किरदार है वो घर की सतह पर तो ठीक लगता है, लेकिन बाहर माशरे के अंदर उसका जो एक मुस्बत किरदार होना चाहिए वो नहीं होता। यही वजह है कि मर्द हेड ऑफ़ द फैमिली हो जाता है, वो कमा कर लाता है और औरतें जो हैं वो डिपेंडेंट हो जाती हैं। किसी भी सूरत में अगर औरतें मुलाजमत के मौके एक्सप्लोर करती हैं, बाहर जाती हैं, काम करती हैं, तो वहाँ पर भी वर्क प्लेस पर उन्हें बहुत सारी हरासमेंट का भी सामना करना पड़ता है। वेजेस के मुकाबले में औरतों के वेजेस जो हैं वो बहुत कम होते हैं। 25 साल हो गया मैंने कोठी से काम करते हैं, तो उन्हों की चोरी बाहर हुई है, तो पूछताछ सानू हुई है, तो मैं उन्होंने दसिया लेख लिखा उन्होंने किया, घर का पूछया, बच्चों का पूछया, तो उन्होंने मैं सारा ही दसिया अपने बच्चों का, तो फिर अच्छा सलूक तो नाना होया। हमने 1700 से स्टार्ट लिया था और अब उसके बाद 100 बढ़ाते बढ़ाते 3000 हो गई, और 3000 से एकदम उन्होंने जंप लिया 7000 हो गई। हमने रैलियां निकाली, जुलूस निकाले, बहुत सा एहतजाज किया कि हमें 3000 जो है ये बहुत कम सैलरी है, हमारी सैलरी तो अभी हमारी कम है, 7000 कोई सैलरी नहीं है इस महंगाई के दौर में। हमारे मुशाहदे के मुताबिक पाकिस्तान में 80% औरतें जो हैं वो घरेलू तशद्दुद का शिकार होती हैं क्योंकि उनकी मौशी हैसियत कमज़ोर होती है। घरेलू तशद्दुद के अंदर ना सिर्फ जिस्मानी तशद्दुद शामिल है बल्कि नफ्सियाती तशद्दुद भी शामिल है। वालदा ने मेरी शादी कर दी ज़बरदस्ती, जिसके साथ मेरी शादी हुई थी वो 25-30 साल मुझसे बड़े थे, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती थी, और शादी होने के बाद मेरे अब्बू ने मेरी पढ़ाई भी नहीं कम्प्लीट होने दे। उसके बाद मेरे लड़ाई वगैरह, मैं अपनी अम्मी अबू के पास गई तो मेरे अब्बू ने मुझे मारा और मेरे देवर के साथ भेज दिया, और मेरे देवर ने मुझे मारा, जहाँ तक हमारा घर नहीं आया था वहाँ तक मुझे मारते ही आए थे। तो मैंने कहा मैंने अब इधर रहना नहीं, मैंने लेनी तलाक है।
बहुत सारी सूरतों में तो हमने देखा है कि जहाँ औरतों की मारपीट हुई, जहाँ उनके बहुत सारे बच्चे थे उनको घरों से भी निकाल दिया गया, और जब वो घरों से निकाल दी जाती है सारे तशद्दुद के नतीजे में, तो होता क्या है कि बहुत से इर्द गिर्द के जो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, वो ये कहकर इस मामले को नज़रअंदाज कर देते हैं कि ये तो आपका घरेलू मसला है। ये मेरा खामन चोरियां लकेटियां करता सी, मैंने मारता कुटता थी, इसलिए मसलन के बगाने बंदे घर लिया के पाँदा हों, मैं कह नहीं सर कि ना इन्हें लिया करते, उन्होंने ज़्यादा गुस्सा ज़्यादा चढ़ता हों, मैं मारता से इस वजह तो अगर कहता से कि दूसरे लोगों ने छप पाया, कहें तेरी बीवी किसी मसलन के है कोई इन्हें चक्कर, इस वजह तो भी उन्होंने मैंने मारे एक दो दफ़ा, मैं क्या मेरा कोई चक्कर नहीं है। जहाँ तक सेक्शुअल अब्यूज़ का ताल्लुक है, इसकी एक्सट्रीम फॉर्म रेप है, और ये कहना कि रेप जो है वो कोई अच्छी औरत नहीं हो सकती और बुरी औरत के साथ ही ऐसा होगा, या कोई उसने लिबास ऐसा पहना हुआ है तब फैशनेबल लड़की के साथ ऐसा होगा, जो घर में रहती है चादर चार दीवारी के साथ एक जगह पे मौजूद है उसके साथ ऐसा नहीं हो सकता, ये एक मफरूज़ा है और ये एक मिथ है जिसको तोड़ने और एड्रेस करने की बहुत ज़रूरत है। मेरी गली में एक लड़का, वो हमारा मसाया था, वो तंग करता था हमारे घर वालों को आके, तो इसकी शादी मेरे साथ करो, तो हमारे घर वाले नहीं मानते, तो कह रहे ये वारा है, काम कार नहीं करता, वारा गर्दी करता है, तो उसने मुझे गवाह किया, साथ उसके एक दोस्त का दोस्त था, उन्होंने 12 दिन मुझे अपने पास रखा, नशे में टीके लगाते रहे, उसने फिर मुझे पूछा तुम निकाह करोगी, तो मैंने उसने इनकार कर दिया, तो उन्होंने मुझे कहा तुम्हें घर छोड़ाते हैं, घर छोड़ दिया, तो वो उसे पुलिस वाले पकड़ नहीं रहे, हम घर वाले हमारी कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनकी बात नहीं सुन रहा। यहाँ तो ये सूरत हाल भी है कि आपको याद होगा कि जनरल मुशर्रफ ने शाजिया खालिद केस के बाद जो अफसोसनाक वाकया हुआ था, डेरा बुख्ती का रेप केस हुआ था एक, और उस ऑर्डिनरी क्राइम केस को इतने हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल केस बना दिया था। उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ जब बाहर गए थे तो उन्होंने ये तक कह दिया था, एक गैर जिम्मेदाराना बयान दे दिया था कि पाकिस्तान की जिस औरत को वीज़ा चाहिए होता है या पॉलिटिकल असाइलम चाहिए होती है वो अपना रेप करवा लेती है। अपने खिलाफ होने वाले तशद्दुद को चैलेंज करना बहुत बड़ी बात होती है, ऐसी सूरत में हम इन औरतों को के पास जाते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं, उनसे बातचीत होती है और उनको इस तरह के फोरम्स मुहैया किए जाते हैं जिसपे में वो अवेयर हो सकें कि उनके ख़िलाफ़ ये सारे तशद्दुद और इस्तेसाल क्यों हुआ है, और ऐसी सारी गुफ्तगू के दौरान फिर हमारी कोशिश होती है कि उनको मोटिवेट किया जाए, उनको बताया जाए कि इस तरह के तशद्दुद को चैलेंज कर सकती हैं और रोक सकती हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एक महफूज ज़िंदगी जो है वो गुजार सकें। जुतियां का काम मैं छोड़ देता हूं, चंगोदियां दा काम नहीं है, नाले कामल फोत हो गए फिर, तो फिर आई जड़ा छोटा मोटा जुतियां दा एक और टेंशन दे के वो मेरे तो पट्टी नहीं गाते। सिर्फ आसिया तोड़ा ही ये मसला नहीं है, ये हुण जिस भी इलाके जिथे खास तौर पर औरतां मेहनत मजदूरी मुशक्कत भी कर रही ने उन्हां दी पूरी नहीं पै रही, वादे दी बजाय सगो घट ही पै रहा, कोई मुफायस नहीं इहदे च हो रहा, बच्चियां नूं भी ला रहे हैं आप भी लग रहे हैं लेकिन कोई नहीं हासिल हो रहा, जे भुखे आ तां भुखे, जे नंगे आ तां नंगे। पाकिस्तान में कोई 15-20 साल से ये होम बेस्ड वर्क जो है ये ज़्यादा नज़र आना शुरू हुआ है, और इसमें बदकिस्मती से 1 करोड़ से ज़ायद औरतें जो हैं वो होम बेस्ड वर्क करने पर मजबूर हैं। इस ऐसी सारी सूरत हाल में इनके ख़िलाफ़ जो है ना वो मुआशी इस्तेसाल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये घर की चार दीवार में बैठ के छुप कर मजदूरी करती हैं, ठेकेदार मार्केट से काम लेकर आता है, इन औरतों को मार्केट तक एक्सेस नहीं होती है, और समाजी ढांचे भी हमारे ऐसे हैं जिसमें हम आम तौर पर हमारे मर्द जो हैं वो ज़्यादातर तरजीह देते हैं कि औरतें घर में बैठ कर काम कर लें, और अफसोस की बात तो ये भी है लेबर के जो कवानीन हैं वो इनको वर्कर्स मानने के लिए तैयार नहीं है। चनगोदे कढ़ने का काम कर रहे हैं शदरे दे विच, कुछ नहीं बनता, 15 रुपये किलो कढ़ने 10-12 साल हो गए ने, मोढ़े भी दर्द करते हैं, गिटे भी दर्द करते हैं, बाहें भी दर्द कर दया ने, बीमार हो गया है तो बनता कुछ नहीं। मेरा ज़्यादातर काम रेप सर्वाइवर्स के साथ है जिसमें हम उनको 3 तरह की सपोर्ट जो है वो दे रहे होते हैं, सबसे पहले मेडिकल है, फिर साइकोलॉजिकल और लीगल। मेडिकल के हवाले से ये कि बाज़ दफ़ा मुतासरा खातून जो है वो ऐसी हालत में हमारे पास आ जाती है,
जिसकी वजह से उसको फौरी तौर पे किसी गायनेकोलॉजिस्ट या किसी खातून डॉक्टर के पास दिखाना ज़रूरी होता है। और हम ये कोशिश करते हैं कि उसके नफसियाती तौर पे उसको ऐसे सेशंस करवा दिए जाएं, ऐसे सिटिंग्स उसकी करवा दी जाएं साइकोलॉजिस्ट के साथ, जिसमें कि वो खातून इनफरादी तौर पे अपने आप को ये महसूस ना करे कि वो तन्हा है, वो अकेली है। आपको लगता है पहले से आपकी शख्सियत में आप देखिए, ये जो एनजीओस पर इल्ज़ाम है कि ये बड़ी बड़े सेमिनार्स और वर्कशॉप्स की हद तक अपने आप को महदूद रखते हैं, मुझे इससे इख्तलाफ है। और जो लोग इस तरह की तनकीद करते हैं, दरअसल वो एनजीओस की असल वर्किंग से और उनके तरीक़ेकार से नावाकिफ भी हैं। मैं समझती हूँ कि मुझे तो औरतों को मुनज़्ज़म करने के लिए ग्रास रूट पर भी जाना पड़ता है, उनके इशूज़ को बड़ी मेहनत और रिसर्च के बाद हम लोग कंसोलिडेट कर पाते हैं। लेकिन थोड़ा जहा परेशान भी इतने घंटे बाहर भी काम करके आइए, पूरी क्यों नहीं पैदा। समाजी या मुआशी सतह के ऊपर जो जिस तबके के लिए आप काम कर रहे हैं उनके इश्यूज पर जब तक आप सॉलिड वर्क नहीं करते आपको फंड्स नहीं मिलते हैं। बाज लोग यहाँ तक कहते हैं कि जी अरबों डॉलर लेते हैं ये, यानी या तो उन्हें अरब की गिनती अरब तक नहीं आती कि अरब किसे कहते हैं, बिलियन किसे कहते हैं, या वो एग्जेजरेशन के बादशाह हैं। जो भी हम फंड्स देते हैं इसका एक एक रुपया इज अकाउंटेड फॉर। हम लोग 3 मंथली बेसिस के ऊपर उनको डिस्पर्स करते हैं पैसे, एंड वी आर पार्ट ऑफ व्हाट एक्टिविटीज़ आर टेकिंग प्लेस। उसके बाद में फिर हम उनका अपने ऑडिटर से भी हमें ऑडिट करा के देते हैं, फिर हमारे यहाँ पे अपना ऑडिटर है जो उनके सब उनको भी चेक करता है, फिर जर्मनी में जाके एक ऑडिटर है जो उसको फाइनल चेक करता है। सो इसकी स्क्रूटनी हर लेवल के ऊपर आती है। ज़िया के दौर में जितने भी कानून मुतारिफ करवाए गए वो सब के सब औरतों के खिलाफ थे और औरतों के बुनियादी हकूक सलब कर रहे थे। मिसाल के तौर पर हदूद ऑर्डिनेंस है कि औरतों को जब वो रेप भी होती थी और तो जब वो शिकायत लेकर पुलिस के पास गई तो वहां पर उनके खिलाफ ही मुकदमे दर्ज हुए और उनको जेलों में ठूंस दिया गया। 2006 में इस कानून के अंदर जो तरमीम हुई उसके मुताबिक औरतों को कुछ रिलीफ मिला। उसके बाद एक और कानून आया जो 2010 में आया और औरतों के खिलाफ जो जिंसी हरासियत का कानून है, आशा की काफ़ी स्ट्रगल रही है और उसके बाद ये कानून पास हुआ है। तो ये कानून जो है वो एक बेहतर कानून हम समझते हैं। सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में और ख्वातीन के हकूक पर काम करने वाली ख्वातीन भी इसी मुआशरे का हिस्सा हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि शायद उन्होंने कुछ नाइंसाफियाँ ऐसी देख ली हैं जो उनके मुशाहदे में आ गई हैं, तजर्बे में आ गई हैं, जिसकी वजह से वो दूसरी औरत के लिए आवाज़ उठाती हैं। इन तमाम तर हालात के बावजूद मैं समझती हूँ कि औरतों में आगाही आई है, शौर में इजाफा हुआ है, अपने हालात को जानना उन्होंने शुरू किया है। और ऐसी सूरत में हमें खुशी होती है कि औरतें खुद अपने हकूक़ के लिए जदोजहद कर रही हैं, इकट्ठी होकर जदोजहद कर रही हैं और अपने हालात को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हैं। आओ रल के